आई एम डॉक्टर तलवार। आज हमारे साथ जो है एक यंग बच्ची है 30 ईयर्स ओल्ड, और इनका 2 महीने पहले हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किया था थ्रू एक्सिलरी अप्रोच, क्योंकि वो स्कार नहीं चाहती थी एंड शी इज अनमैरिड नाउ, शी लाइकली टू गेट मैरिड वेरी सून। तो आज वो आई हैं फॉलोअप के लिए, 2 महीने हो गए हैं, तो आप उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा। तो बच्चे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्जरी करा के, आप पछता तो नहीं रही हैं? नहीं, बहुत हैप्पी हूँ उस एक्सपीरियंस से। इवन जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस देखे कि जो दूसरी गर्ल्स को कभी आते हैं, वो मेरे साथ बहुत स्मूथ रहा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ मेरा प्रोसेस रहेगा। आई वुड से फर्स्ट 3-4 डेज में ये था कि मैं जैसे अभी लेटी हूँ तो कोई मेरे को हेल्प कर रहा है कि वो मेरे को मेरे बैक को पुश कर रहा है वो बैठने के लिए, बट वो 3-4 डेज के बाद वो भी ठीक हो गया। बट मैं कहूँगी पेन तो मुझे शायद फर्स्ट 2 डेज ही रहा होगा। जनरली गर्ल्स को रहता है 1 वीक और 2 वीक्स का पेन रहता है, लेकिन मुझे पेन बिल्कुल नहीं था और बहुत स्मूथ रिकवरी रही है मेरी। तो सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया और आई एम वेरी हैप्पी विद एक्सपीरियंस। ओके, सो मतलब पोस्ट ऑपरेटिव आपको, आपकी रिकवरी बहुत स्मूथ रही है? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। तो आपको जो लगता था कि भाई इम्प्लांट करने के बाद मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव होगा, तो नाउ यू फील दैट चेंज इन योरसेल्फ? यस ऑब्वियसली, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। और जितना डर रहे होते हैं हम लोग सर्जरी के पहले, मुझे लगता है उतना वो बहुत, जो हम लोग सर्जरी को देखते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज है, बट उतना कुछ बड़ा है नहीं। ये बहुत मुझे छोटा सा ऑपरेशन लगा, जैसे कि किसी का वो विजडम टूथ आप एक्सट्रैक्ट करते हो, वो तो छोटा सा था। और आप शायद एक दिन भर्ती रही थी या उसी दिन शाम को चली? नहीं, मैं उसी दिन निकल गई थी। उसी दिन शाम को उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। जब ऐसे पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो मुझे यकीन है कि आप लोगों के मन में भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता होगा कि ये सर्जरी में से कोई खतरनाक नहीं है। नाम जरूर सर्जरी होता है, लेकिन अगर उसको सही तरह से मैनेज किया जाए तो पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, उनके रिजल्ट जो बहुत अच्छा आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में एक ट्रिमेंडस चेंज आता है। अब जो बच्ची है, हम नेचुरली इसका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बड़ी प्यारी बच्ची है और अब ये शी आल्सो वाज फीलिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। यस, मेरी स्किन बहुत टाइट थी, फैट बिल्कुल भी नहीं है मेरी बॉडी में, बिल्कुल भी फैट नहीं है। तो फैट नहीं होता तो पेन ज्यादा होना चाहिए आपको, लेकिन मेरे को पेन नहीं हुआ तो वैसा है। सो आई थिंक आप लोगों के मन में जो भी भय है इस बच्ची को मिलने के बाद वो थोड़ा और कम हो गया होगा, और हम यही कहना चाहेंगे। तो आप ये कहना चाहेंगे? मैं सबको रिकमेंड करूंगी डॉक्टर सर, डॉक्टर तलवार सर, रियली मैं बहुत, और ये चीज है कि सर बहुत केयर करते हैं। अगर आप कभी बोलोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो अटेंटिव रहेंगे और फिर वो आपको वैसे गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आपके फॉर योर काइंड कमेंट्स, एंड आई एम श्योर कि इससे हमारे दर्शकों का भी हिम्मत बढ़ी होगी, उनको प्रोत्साहन मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।